हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलेटर पेडल। ऐसे ही हम हर एक सेंसर के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने गाड़ी में लगने वाला रिले, बैटरी, ECU, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, इनके बारे में जानकारी दी गई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऊपर आई बटन में भी दी गई है, आप ज़रूर देखना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये एक्सीलेटर पेडल कैसे काम करता है उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। गाड़ी को चलाते समय इंजन में कितने ताकत की या टॉर्क की जरूरत है उस हिसाब से ड्राइवर एक्सीलेटर पेडल को दबाता है और उसका सिग्नल ECU में चला जाता है, और ECU उस हिसाब से थ्रोटल बॉडी या फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी को डिसाइड करता है। तब इंजन का RPM ड्राइवर के डिमांड के ऊपर कम ज्यादा होता है। ये पेडल के अंदर जो सेंसर लगता है वो दो टाइप के सेंसर होते हैं, एक कॉन्टैक्ट टाइप और दूसरा कॉन्टैक्ट लेस टाइप। कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता है, जिसमें पोटेंशियोमीटर लगाया होता है, उसे वेरिएबल रजिस्टर टाइप भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हिसाब से हम पेडल को दबाते हैं उस हिसाब से रेजिस्टेंस का वैल्यू सेंसर में बदलते रहता है, और बीच वाले टर्मिनल से आउटपुट वोल्टेज उस हिसाब से चेंज होते रहता है, और वो वोल्टेज ECU तक वायरिंग हार्नेस के जरिए सिग्नल को पहुंचाया जाता है। तब ECU समझता है कि ड्राइवर की डिमांड क्या है, उस हिसाब से ECU इंजन RPM को मेंटेन करता है। इस सेंसर के अंदर एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगाया हुआ रहता है। अब आते हैं कॉन्टैक्टलेस टाइप सेंसर में। उसमें आता है हॉल इफेक्ट टाइप। इसमें क्या होता है, एक कंडक्टिव प्लेट के अंदर करंट का फ्लो सेट किया जाता है। वो करंट एक स्ट्रेट लाइन से घूमता रहता है। जब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर दी जाती है उस हिसाब से कंडक्टिव प्लेट में करंट डिस्टर्ब हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन निगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो जाते हैं और अलग वोल्ट पैदा हो जाते हैं, तो वो हम मल्टीमीटर से भी माप सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे हॉल इफेक्ट बोला जाता है। अब ये एक्सीलेटर पेडल में वायरिंग का 6 पिन का कनेक्टर होता है, क्योंकि इसमें 2 सेंसर लगे हुए रहते हैं वो अच्छी तरह से एक्यूरेंसी मिलने के लिए एक दूसरे के बैकअप में चलते हैं, सेफ्टी के लिए। और ये पेडल के अंदर असेंबल किया हुआ रहता है। ये जो 6 पिन रहता है उसमें पहले नंबर के पिन में सिग्नल रहता है, दूसरे नंबर के पिन में ग्राउंड रहता है, तीसरे और चौथे नंबर के पिन में रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट रहता है, 5वें नंबर पिन के अंदर ग्राउंड रहता है, और 6वें नंबर पिन के अंदर सिग्नल। ऐसे पिन नंबर होते हैं, ऐसे ही पिन का कनेक्शन होता है। अब पेडल के अंदर हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। अब ये BS6 के पेडल में 1 और 5 नंबर के पिन में 1.7 kΩ आता है, और दूसरा 2 और 3 नंबर के पिन में 1.2 kΩ रेजिस्टेंस मिलता है। वो भी हमको चेक करना है अनप्रेस कंडीशन में, मतलब पेडल हमारा दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। जब ये पिन में पेडल जब दबाएंगे तब हमको रेजिस्टेंस वेरिएबल मिलता रहेगा। अब हमको वायरिंग हार्नेस के सॉकेट में कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करना है वो देख लेते हैं। 1 नंबर पिन सिग्नल का है तो वहाँ पे 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक हमको मिलेगा। दूसरा पिन ग्राउंड है, वहाँ पे 0 वोल्ट मिलेंगे। तीसरे और चौथे पिन में हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। 5वें पिन में ग्राउंड है इसलिए 0 मिलेगा, और 6वां पिन है सिग्नल के लिए, वहाँ पे भी 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक मिल जाएंगे। अब हम गाड़ी को डायग्नोस्टिक टूल लगाएंगे और वहाँ पे पैरामीटर में जाके एक्सीलेटर पेडल को चुन लेंगे, और वहाँ पे हम चेक करेंगे एक्सीलेटर पेडल का पोजीशन। जैसे जैसे हम पेडल को दबाएंगे वैसे वैसे एक्सीलेटर पेडल का पोजीशन हमें दिखता जाएगा, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा APP1 और APP2 का पोजीशन समान रहना चाहिए, प्लस माइनस 5% तक चल जाता है, तो समझना है कि हमारा एक्सीलेटर पेडल सही है। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।